कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप लोग पहुंचे हाई स्कूल में। जिंदगी में हर जगह हाई स्कूल की डिग्री काम आती है। कुछ भी होता है तो कहते हैं हाई स्कूल में कितना नंबर मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्यार से पढ़ लीजिए और प्यार बार बाद में कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नया शुरू होगा 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, आप बड़े ही प्यार से देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। पहले हिंदी में देखिए फिर मैं इंग्लिश में सुना दूंगा पढ़ के। कह रहा कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक शंकु के आकार का है। मतलब कोई एक आकार है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर जैसे कोन रख दिया जाए, मतलब उल्टी आइसक्रीम की बात करें तो इस तरह से बन गया है, जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी ये सीधा फीधा कहना चाहते हैं कि उसकी त्रिज्या और जो शंकुआ की ऊंचाई है बराबर है। आगे पूछ रहा है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब आपको पाई का मान नहीं रखना है और मान निकाल लेना है पाई के पद में, बस यही करना है। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे सुन लीजिए। इंग्लिश में है, सुनिए, अ सॉलिड इज इन द शेप, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ दियर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ दियर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी उसकी जो रेडियस है, रेडी मीन्स 1 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू द रेडियस। उसकी हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, उसकी त्रिज्या के, जैसे हिंदी में आप पढ़ ही रहे हो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, बहुत अच्छा। चलिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे बड़ा ही प्यार से, छोटा सा नन्ना बरखा, और उसके ऊपर एक कॉन खड़ा कर देंगे। कॉन का मतलब ये कान नहीं हमारा, कान का मतलब कुछ और है। ए भाई एक मिनट रुक जाओ, मैं रोक के बनाऊंगा इसको, स्ट्रीम थोड़ा रुकेगा। देखो सही दिख रहा है ना, बढ़िया है। चलिए नीचे क्या अर्धगोला, इसके ऊपर एक कॉन बना है यानी शंकु बना है। इस पूरे सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है पाई के टर्म्स में। बहुत अच्छा, सिंपल है। लिख लीजिए, दिया है, गिवन लिखिए, गिवन दिया है, क्या क्या दिया लिख लो भाई फटाफट, जल्दी से लिखो 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 लिखो। इसमें ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है, रेडियस दिया है और इसकी हाइट दी, बाकी कुछ दिया नहीं। सिंपल है, पूरे सॉलिड में क्या क्या दिख रहा है आपको, एक अर्धगोला दिख रहा है, एक कॉन दिख रहा है। तो पूरे सॉलिड का क्षेत्रफल के लिए, सॉरी आयतन यानी वॉल्यूम के लिए, आप इस कॉन का वैल्यूम फाइंड करेंगे एंड इस हेमिस्फीयर का, दोनों जोड़ देंगे, बस हो गया। तो लिख लीजिए, लिखिए पूरे ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, या फिर इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे वैल्यूम ऑफ टोटल फिगर या फिर टोटल सॉलिड। हाँ, वैल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इक्वल वैल्यूम ऑफ कॉन प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले कॉन वाला लिखेंगे हम वॉल्यूम का, फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, बोलो। और बाकी भाई हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर एक है तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना, क्यों सही जा रहा ना, यही होता है, लिख दो। इसमें देखिए हम कुछ कॉमन ले सकते हैं जिसका नाम है 1/3 पाई, और आर हम कॉमन ले सकते हैं, आर का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो इसमें केवल एच बचेगा भैया, इसमें बाबू आपका 2 और आर बचेगा, बहुत ही सिंपल है। मान रख दीजिए 1/3 इंटू, देखिए पाई का मान नहीं रखना क्योंकि आंसर पाई में लाना है, पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहां पर आप रख लीजिए तसल्ली के लिए 1 का स्क्वायर, एच का मान 1 है, 2 इंटू आर का मान भी 1 है। फाइनल में आप इसे हल करोगे 1/3 इंटू पाई, देखो ये 1 का 1 ही हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे 2 का गुणा 1 में होगा, 2 होगा और 1 में जुड़ेगा 3 हो जाएगा। फाइनल में हम 3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा, ये क्यूब है, घात 3 लगी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन डन हो गया। किसी को कुछ कहना है तो बोलो, नहीं कहना ना,
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके फट से जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखाइए स्क्रीन पर बहुत जल्दी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर देखने के पहले आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि 25 जून से 9th और 10th की क्लास पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर चलेगी, देख रहा है स्क्रीन पर, इसे नोट कर लीजिए और पढ़िएगा जरूर। ठीक है बच्चों, कुछ भी कहना तो बता देना। आप लोग बड़ी क्लास नहीं देखते इसलिए इस क्लास को यहीं पर एंड किया जा रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो एक घंटे, कमेंट करके बताना कि हम 1 घंटे पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, 2000 व्यू लाओ, 2-2 घंटे में लाओ, फटाफट शेयर करो अपने साथियों को। बहुत मस्त तरीके से पढ़ाता हूँ ना, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा, पूछिए।